बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं सूजी का हलवा। सूजी के हलवा बनाने के लिए हमें चाहिए सूजी, ये हमने 1 कप ले लिए, और ये शक्कर हमने हाफ कप से भी थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया। सही है, अब हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। हमने ऐड किया तेल, हमने डाला होगा तेल, ज़्यादा नहीं, बस ये अपने हिसाब से डालिएगा। इसमें हमने डाला इलायची, 2 इलायची और 2 लौंग। अब हम इसमें सूजी डालेंगे। सूजी हमारी 1 कप है। इसको भूने, सूजी को बस इतना, ये बहुत आसान रेसिपी होती है, इसमें सिर्फ सूजी भूनने का टाइम लगता है। सूजी को अच्छी तरीके से भूने, इतनी कि ये लाइट ब्राउन हो जाए। और ये रेसिपी जो है ना, अंकल आपने कहा था ना कि आपके भाई के नाम पे करूँगी मैं एक रेसिपी, तो सलीम अंकल के नाम पे ये रेसिपी। सही है, और आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स कि आप लोग मुझे कमेंट्स करते हैं, मुझे लाइक करते हैं और बहुत प्यार देते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। खीरे बना रही हूँ मैं इसके लिए, हलवे के लिए। मैंने 1 कप लिया था पानी, अब इसमें मैं 1 कप ये डाल रही हूँ शुगर, देख लें आप। अब हम इस पानी में थोड़ा सा 4 कलर ऐड करेंगे, ठीक है। 4 कलर इसको ऐड करें, इसको शीरा बनाना है। ये हमारा सूजी जो है हल्की हल्की सी लाइट ब्राउन होना शुरू हो गई है। इसको कंटिन्यूसली चलाएं, बस ये ब्लैक ना हो, लाइट ब्राउन हो। थैंक्स, ये नई रेसिपी आ गई है, देख लीजिएगा। लोगों ने मुझे कमेंट्स किया कि शादी नई नई रेसिपी दें, नई रेसिपी बनाएं, तो ये नई रेसिपी बना ली आप लोगों के लिए। ये देखिए हमारे सूजी लाइट ब्राउन होने लगी है, और ये हमारा शीरा भी पकने लगा है। उस वक्त तक इसमें शीरा ऐड नहीं करिएगा जब तक ये बिल्कुल लाइट ब्राउन ना हो जाए, वरना सूजी पकती नहीं है, कच्ची रह जाती है, और जो है ना हलवे में मज़ा नहीं आता। ये देख लें हमारी सूजी का कलर चेंज हो गया है, लाइट ब्राउन हो गया है सूजी का कलर, ये अच्छी तरीके से पक चुकी है। अब ये ज़्यादा पकेगी तो ये ब्राउन ब्राउन सी हो जाएगी। सही है, अब आप इसमें शीरा ऐड कर दें। रुके, मैं इसमें शीरा ऐड करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक हाथ में मोबाइल पकड़ के एक काम करना बहुत मुश्किल होता है। ये देखें बिल्कुल मार्केट वाला कलर आ गया इसका, जो मार्केट से आप लेके आते हैं, और बिल्कुल मार्केट वाले ही लुक भी आ रहा है इसमें, और बिल्कुल वैसे ही हो भी गया हल्का सा गीला गीला सा। अगर आप इसमें और गीला गीला इसको रखना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा तेल ना ऐड कर लें। इसमें थोड़ा सा तेल ऐड करती हूँ, देखें कितना खूबसूरत और कितनी आसान रेसिपी है, झटपट बनने वाली रेसिपी।
ये देखें हमारा पूरा डन हो गया हलवा। माशाल्लाह से हमारा हलवा बन गया। अब आप इसको डिश आउट कर सकते हैं, और आप डिश आउट करने के बाद इसमें आप जो मेवा चाय आपको पसंद है वो आप इसके ऊपर गार्निश कर सकते हैं। चारी भुजिया हम बना रहे हैं, और चारी भुजिया हमें बनाने के लिए चाहिए सौंफ, साबुत धनिया, कलौंजी, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, नमक हसबे ज़ायका। और ये देखें हमने इसको किस साइज़ में काटा है, इस तरीके से काट लिया ऐसे ही, क्योंकि जैसे जैसे गलती जाएगी वैसे वैसे मज़े की होती जाएगी। और ये बिल्कुल गला लिया है, जैसे बाहर आपको मिलती है ना वैसे ही बिल्कुल इसको ऐसे गला लिएगा। और इसमें हरी मिर्चें आप डालें या ना डालें ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये अब हम इस पैन में डाल रहे हैं ये आलू, डालेंगे 1 कप से 2 कप पानी, पानी ज़्यादा डालेंगे, ये अच्छी खासी गली हुई होती है, ठीक है। अब हम ये सारे मसाले इसमें ऐड करेंगे। जो अचार के मसाले डालते हैं ना ये बिल्कुल इसी तरीके से बनती है। और इसमें हम अभी तेल ऐड नहीं करेंगे, हम इसको तेल आखिर में डालेंगे, और बहुत थोड़ा सा तेल डालेंगे इसमें, ठीक है। और इसको ढक देंगे, अब हल्की आँच पे करके इसको ढक देंगे कि ये आराम से हल्की आँच पे गल जाए, बिल्कुल गली हुई होगी ये। जब ये बिल्कुल अच्छी तरीके से गल जाए तो इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे। अब हम इसको ढक रहे हैं 10 से 15 मिनट में ये हल्की आँच पे बिल्कुल गल जाएगी, फिर हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। देखिए हमारी भुजिया जो है आलू की तरकारी, जो ऐसे तरकारी बोलते हैं आप लोग, ये देखें पूरी डन हो चुकी है, बिल्कुल आलू गल चुके हैं, ठीक है। इसके अब हम इसके साथ वो काम करने वाले हैं जो हम हर रेसिपी के साथ करते हैं, यानी कि आखिर में इसमें टमाटर कैसे डालेंगे ये आप देखें। ये हमने फ्राई पैन में तेल डाला और इसमें डालेंगे हम टमाटर। अब आप पूछेंगे कि टमाटर मैंने इसके साथ ही नहीं डाला, तो टमाटर अगर मैं आलू के साथ डालती तो आलू कच्चे रह जाते। अब क्योंकि आलू गल चुके हैं तो मैं इसमें टमाटर ऐड करूँगी। फौरन ही नरम होकर ये गल जाएंगे, सही है। इसको किसी चीज़ से ढक दें, इसको मैं ढक देती हूँ थोड़ी देर के लिए। मैंने ढक दिया 5 मिनट के लिए, मैंने इसको ढक दूँगी। आलू ये बिल्कुल टमाटर जो हैं बिल्कुल गल जाएंगे अच्छी तरीके से। ये देखें टमाटर हमारे डन हो गए कितनी जल्दी, 5 मिनट भी नहीं लगे होंगे, ढका फौरन ये गल गए। और टमाटर जब गले हुए होते हैं ना तो इसका अच्छा अलग ही अच्छा टेस्ट आता है, और अगर कच्चे रहते हैं ना तो इसका टेस्ट बिल्कुल ख़राब आता है। तो इसलिए ये ना टमाटर इसको गला के डालें तो ज़्यादा मज़े के लगेंगे। और ये खट्टे आलू होते हैं या अचारी आलू होते हैं तो इसमें टमाटर मैं खास के मैंने ऐड किया, क्योंकि मैं इसमें इमली नहीं डालूंगी, क्योंकि कोरोना की वजह से गले बहुत ख़राब हो रहे हैं। तो आप इस कोशिश करें कि इमली और खट्टी चीज़ों से परहेज़ करें, तो आप इसको टमाटर डालें। टमाटर जो है हेल्दी भी होते हैं और आपका गला भी ख़राब नहीं करता, क्योंकि टमाटर इसमें पक जाएगा तो आपका गला ख़राब नहीं करेगा और इसमें खटास भी दे देगा। अब जो मैं मेन चीज़ डालने लगी हूँ इसके अंदर वो है सिरका, एक टीस्पून, ठीक है। ये मैंने सिरका इसमें 1 टीस्पून ऐड कर दिया, इसमें खटास आ जाएगी और आपका जो प्रॉब्लम है ना खटास का कि खट्टे आलू हैं तो खटास नहीं है, अचारी आलू हैं तो इसमें खटास नहीं है क्यों, तो ये प्रॉब्लम भी आप लोगों का सॉल्व हो गया, ठीक है। देखो मेरे टमाटर बिल्कुल गल चुके हैं, लीजिए जनाब टमाटर डन हो गए, बिल्कुल डन हो चुके हैं। अब ज़रा सा भी टमाटर में कच्चापन नहीं रहा है, बिल्कुल पक चुके हैं, ठीक है। और अब हम इसको इसमें ऐड करने वाले हैं
आलू की भुजिया के अंदर। आलू की तरकारी की शक्ल देखें, जो खट्टे आलू आप कहलाते हैं बाहर, आपको पूरी के साथ, पूरी हलवा पूरी के साथ मिलते हैं। ये इसकी शक्ल देखें कितनी रेडिश हो रही है टमाटर की वजह से, ऊपर से टमाटर डालने की वजह से, और टमाटर भी इसमें गल गए हैं। और अब इसको हम सुखा देंगे, इसका पानी, ढक्कन डाल देंगे इस पर ताकि इसका पानी सूख जाए। 10 से 15 मिनट में इसका अच्छे तरीके से पानी सूख जाएगा। हम ढक देंगे 10 से 15 मिनट तक के लिए। हमारे खट्टे आलू की तरकारी बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। और प्लीज़ 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 इसमें धनिया मत डालिएगा ऊपर से गार्निशिंग के लिए, क्योंकि अगर धनिया डाल देंगे ना आप इसमें ऊपर से गार्निशिंग के लिए तो इसका सारा मज़ा ख़राब हो जाएगा। ये खट्टे आलू अचारी आलू होते हैं, इसमें धनिया नहीं डालिएगा। इसमें मैंने ना लहसुन अदरक डाला, ना मैंने इसमें प्याज डाला, ना मैंने इसमें गरम मसाला डाला। मैंने सिर्फ इसको मैं हल्दी, लाल मिर्च, और मैंने कलौंजी, और मैंने इसमें डाला है सौंफ और नमक। सिर्फ और सिर्फ इसमें यही चीज़ें डालेंगी, और इसमें कुछ भी नहीं डालिएगा, क्योंकि फिर अचारी मसाले का, फिर अचारी की जो भुजिया है ना, इसका मज़ा ख़राब हो जाएगा बिल्कुल। अब आप इसको डिश आउट कर लें, ये पूरी तैयार हो गई है। कचौड़ियाँ, आटे में हमने नमक डाला और कलौंजी डाल लिया, अब हम इसे गूंद लेंगे। इसे अच्छी तरीके से गूंद लें। इसे पेड़े बना लिए, अब हम इसको बेल के तेल में डालेंगे। अब हम इसे तेल में डालेंगे, डीप फ्राई करेंगे। अगर आपको इसको हल्का फ्राई करना है तो आप इसको कम तेल में भी फ्राई कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसको हम गोल्डन ब्राउन करके डिश आउट करेंगे। अब जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तो हम इसे डिश आउट कर देंगे। ये हमारी धमाकेदार रेसिपीज तैयार हो गई, कचौरियाँ, आलू की खट्टी भुजिया, और ये सूजी का हलवा। आप भी ट्राई करें घर पे, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर दिएगा सब्सक्राइब करने के साथ साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।